नमस्कार दोस्तों, रिपोर्ट्स इंडिया में आपका स्वागत है। 18 मई यानी कि शनिवार की सुबह भारतवासियों के लिए सियासी और धार्मिक खबर का जोड़ लेकर आई है। लोकसभा चुनावों का प्रचार खत्म होने और वाराणसी में मतदान होने से ठीक पहले पीएम मोदी शिव के धाम केदारनाथ शिव शंभू के दर्शन करने पहुंच गए। सुबह सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे केदारनाथ पहुंचे, वहां विधिवत पूजन किया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भी भेंट में दी। इसके बाद पीएम ने मंदिर की रहस्यमय गुफा में विश्राम भी किया। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। ये चार धाम यात्रा का प्रमुख हिस्सा है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मान्यता ये भी है कि आज भी भगवान शिव यहाँ वास करते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास मंदाकिनी नदी बहती है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। केदारनाथ मंदिर के लिए पीएम मोदी की गहरी आस्था है। सरकार बनाने के बाद वे चौथी बार केदारनाथ धाम भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। बताया जाता है कि 33 साल पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ में ही साधना की थी। वो रोजाना 2 किलोमीटर नंगे पांव चलकर गरुड़पट्टी तक आते थे और यहाँ बैठकर शिव के नाम का ध्यान करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार गरुड़पट्टी वह जगह है जहाँ भगवान विष्णु अपनी सवारी गरुड़ संग आकर रुके थे। जिस शिला पर वो रुके थे उसे गरुड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ साधु संत साधना के लिए आते हैं। मान्यता है कि इन गुफाओं में खास तरंगे भी होती है, जिससे साधक अपनी तपस्या में सफल हो जाता है। मगर इस बार पीएम मोदी द्वारा केदारनाथ मंदिर की जिस गुफा में विश्राम किए जाने की बात हो रही है, वो प्राकृतिक गुफा नहीं है। इसे मंदिर के प्रशासन द्वारा ही तैयार किया गया है। ये एक आर्टिफिशियल गुफा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जय शाह के बाद नरेंद्र मोदी इस गुफा में विश्राम करने वाले दूसरे मेहमान हैं। इससे पहले इस गुफा में काम चल रहा था। ये गुफा करीब 12,250 फीट ऊँची है। गुफा में साधना करने योग्य सभी सुख सुविधाएँ मौजूद हैं। ये गुफा मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ बनाई गई है। इस गुफा की देखरेख गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा की जा रही है। बड़े राजनीतिक चेहरों के अलावा आम लोगों के लिए भी ये गुफा खोल दी गई है। इसके लिए खास पंजीकरण सुविधा मौजूद है, जिसे दिल्ली से कराया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।